Hello everyone, once again welcome on the Pahal Classes VNS. VNS के पहल क्लास के इस मंच पे आप सबका पुनः स्वागत है. आज का हमारा जो लेक्चर है वो आधारित है जोसेफ ग्रीको के नव यथार्थवाद पे. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा केनेथ वाल्स और जॉन जे मिर्शिमर को. ये दोनों के दोनों संरचनात्मक यथार्थवादी हैं नव यथार्थवाद, लेकिन इनका जो वेरिएंट है वो संरचनात्मक यथार्थवाद है. इसी क्रम में हम नव यथार्थवादी के रूप में जोसेफ ग्रीको के विचारों को देखने का प्रयत्न करेंगे. और मेरी कोशिश यह भी रहेगी कि इसी लेक्चर में जो नियो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, खासतौर से फरीद जकारिया, उनका भी जिक्र कर लिया जाए, और साथ ही साथ जो तीसरी दुनिया का यथार्थवाद है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे एज फार एज पॉसिबल. तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद. नव यथार्थवाद जोसेफ ग्रीको. पुस्तक में जोसेफ ग्रीको की दो चार लाइन में चर्चा करके जो आथर है वो निकल जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा जोसेफ ग्रीको का जो नियो रियलिज्म है उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए. तो देखते हैं क्या है. इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल का नाम था एनार्की एंड द लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन. एनार्की एंड द लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन : अ रियलिस्ट क्रिटिक, ऑफ निवेस्ट लिबरल इंस्टीट्यूशंस. ये 1988 में आई थी. एक जर्नल थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उस जर्नल में उनका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एनार्की एंड द लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन अ रियलिस्ट क्रिटिक ऑफ निवेस्ट लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म. जो नव उदारवादी संस्थावाद है, नव उदारवादी संस्थावाद का मतलब है कि कोऑपरेशन राष्ट्रों के बीच होगा, वो संस्थाओं के माध्यम से होगा, चाहे वो वैश्विक संस्थाएं हो चाहे वो क्षेत्रीय संस्थाएं हो. जो सहयोग होगा वो या तो WTO के मार्फत होगा या IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस. तो इनका कहना है कि जो नव उदारवादी संस्थावादी हैं, इनका मानना था कि राष्ट्रों के बीच में, राज्यों के बीच में सहयोग संभव है. कैसे होगा? संस्थाओं के माध्यम से होगा. लेकिन जो जोसेफ ग्रीको हैं, जोसेफ ग्रीको, कहीं कहीं पे ग्राइको भी लिखा गया है, ग्राइको, जोसेफ ग्राइको, ग्रीको समझिए, जोसेफ ग्रीको कहते हैं कि एनार्की, अराजकता, लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन यानी जो सहयोग है उस सहयोग की क्या है, सीमा है. तो जो नव उदारवादी संस्थावाद है उसका ये क्या करते हैं, रियलिस्ट क्रिटिक, यथार्थवादी समीक्षा करते हैं. नव उदारवादियों का यह मानना था, खासतौर से नव उदारवादी में भी जो संस्थावादी हैं उनका यह मानना था कि राज्य चूंकि एब्सोल्यूट गेन को देखते हैं, स्टेट्स आर ईगोइस्ट एक्टर, यू कैन से स्टेट आर एटोमिस्टिक एक्टर. सो वो अपने एब्सोल्यूट गेन को देखते हैं, और यदि एब्सोल्यूट गेन की प्राप्ति हो रही है तो फिर राज्यों के बीच में कोऑपरेशन, सहयोग पॉसिबल है, संभव है. लेकिन ग्रीको का कहना है कि एनार्की की अवस्था में जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें अराजकता है, एनार्की है. एनार्की का जो सेंस है, पिछले क्लास में हमने बताया था
कि अब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट और अब्सेंस ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द गवर्नमेंट, तो कोई विश्व सरकार नहीं है, वो भाव है। तो एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम में प्रिवेल कर रही है। तो ऐसे में जैसा कि नव उदारवादी संस्थावादी सोचते हैं कि संस्थाओं के माध्यम से सहयोग होगा, वो इस एनार्की के जो ट्रू इम्प्लीकेशन है, उस इम्प्लीकेशन जो ट्रू है उसको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं। यानी उनको उनकी जो समझ है वो छिछली है, वो गहरी नहीं है। जो ट्रू इम्प्लीकेशन ऑफ एनार्की है उसके बारे में नव उदारवादी संस्थावादियों का जो दृष्टिकोण है, जो वो अर्थ लगाते हैं, वो भ्रामक है, वो गलत है। तो ग्रीकों का कहना है कि कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर एनार्की एज नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थिंक। तो ये इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीजें कैसे ग्रीको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर हम कैसे, कोई भी पुस्तक पब्लिश होती है तो पुस्तक किस टाइम फ्रेमवर्क में है या उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, हम कैसे समझें। तो हमने कहा ये तो आप खुद ही उत्तर दे रहे हैं उसका कि कैसे समझें। पुस्तक जैसे कल ही बताया था 2001 में जॉन मिर्सिमर की पुस्तक आई थी, पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट टाइम, द ट्रेजडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ये 2001 में जब पब्लिश्ड हो रही है द ट्रेजडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो आपको समझना है कि उसके पहले जॉन मिर्सिमर 2001 में तो पब्लिश्ड हो रही है ना, लेकिन परिस्थितियां हैं, जो उनकी रचना है, जो उनका चिंतन, उसको पहले होगा। तो पहले क्या कुछ घटनाएं हुई घटी होंगी, 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले, 4 साल पहले, थोड़ा पीछे चले जाइए तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये एक्चुअली यही पूछ रहा था कि आपने केनेथ वाल्स का तो बताया, मिर्सिमर का भी बताइए क्या कॉन्टेक्स्ट था जो ऐसी बात कर रहे थे। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए यही था कि 90 के बाद 1990 था जब सोवियत संघ कोलैप्स कर गया, टूट गया, तो फिर क्या हुआ उसके बाद आप देखिए, तो कहा गया कि जो पावर पॉलिटिक्स है उसका दौर समाप्त हो गया। तो जो नियो लिबरल हैं, नव उदारवादी हैं, ये सहयोग संस्थाओं के माध्यम से सहयोग लगातार बढ़ रहा था। एक बार फिर से इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल जो रिजीम्स हैं वो, और जो वैश्विक संस्थाएं हो, संगठन या फिर क्षेत्रीय संगठन हो, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी और राष्ट्रों के बीच में सहयोग बढ़ रहा था। तो रियलिज्म के विजडम को एक बार फिर से उदारवादियों ने चैलेंज किया। तो चैलेंज किया, पहले भी बताया, मुझ में अगन है बाकी आजमा लो। तो फिर जॉन मिर्सिमर एक बार फिर से द ट्रेजडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के माध्यम से वो यथार्थवाद के विजडम को रीस्टैब्लिश किए। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है। अब जैसे कि जोसेफ ग्रीको है, एनार्की एंड द लिमिट्स, एनार्की एंड द लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन 1988 में आ रही है। तो इसको क्या कॉन्टेक्स्ट है, 1988 से पहले चले जाइए आप देखेंगे, यदि 1979 उसके बाद जो शीत युद्ध फिर से शुरू हो गया था सोवियत संघ में, सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो वहाँ से फिर से दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन 1990 से पहले जब गोर्बाचोव USSR के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने जो पॉलिसी लेकर आया परस्तराइका और ग्लासनोस्त की, उसके वजह से ये लगा कि शीत युद्ध समाप्त होने की ओर है और कुछ ऐसी नीतियाँ लेकर आए थे। और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी का दौर चल रहा था, शीत युद्ध की कड़वाहट कम हो रही थी, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, जैसा कि जोसेफ नाई और रॉबर्ट किहोन जो उदारवादी हैं, नव उदारवादी, वो प्रोपाउंड किए थे। और यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के दौर में जटिल अन्योन्याश्रितता का दौर एक बार चल रहा था। तो एक बार फिर से जो है रियलिस्ट विजडम को चैलेंज मिला था। तो कहीं ना कहीं उस चैलेंज का क्या करते हैं ग्रीको, काउंटर अटैक करते हैं। काउंटर अटैक ऑन नियो लिबरल, नव उदारवाद पे जो ग्रीको का नव यथार्थवाद एक तरह से उसका जवाब है। तो देखते हैं जोसेफ ग्रीको।
जोसेफ ग्रीको का मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है, एनार्किकल है। तो उन्होंने कहा कि जो नव उदारवादी संस्थावादी हैं वो एनार्की का जो इम्प्लीकेशन है उसको लेकर के भ्रमित हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उनको है। नव संस्थावादी जो है, जो नव उदारवादी संस्थावादी हैं वो कह रहे थे कि कोऑपरेशन पॉसिबल है। कैसे है, जैसे मान लीजिए दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी, ये प्लेयर हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है सहयोग करने के लिए। सहयोग करने के लिए क्या होता है कि ये दोनों शिकार करना चाहते हैं, किसका, स्टैक का। स्टैक मतलब 12 सिंघा जो हिरन होता है उसका शिकार करना। तो कहते हैं कि जो नव उदारवादी संस्थावादी हैं उनका कहना है कि ये दोनों प्लेयर ए और प्लेयर बी, मतलब शिकारी ए और शिकारी बी, हिरन का स्टैक का शिकार करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट गेन क्या होगा, बोथ प्लेयर आर एटोमिस्टिक प्लेयर, अणुवादी हैं, वो अपने एब्सोल्यूट गेन को देखते हैं। एब्सोल्यूट गेन का मतलब है कि दोनों कोऑपरेट करेंगे, स्टैक का पीछा करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, तो जो लाभ होगा उस लाभ का बंटवारा करेंगे, 50-50 हाफ हाफ हो जाएगा ना, हाफ स्टैक ए को मिलेगा और हाफ स्टैक बी को मिलेगा, हाफ हाफ लाभों का बंटवारा करेंगे। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट गेन है, बिकॉज जो नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं नव उदारवादी संस्थावादी, उनका कहना है कि स्टेट्स क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट गेन देखते हैं, एब्सोल्यूट गेन, निरपेक्ष लाभ। एब्सोल्यूट गेन देखते हैं, निरपेक्ष लाभ। तो कोऑपरेट जब करेंगे दोनों प्लेयर, दोनों शिकारी, तो क्या होगा, हाफ हाफ स्टैक दोनों पाएंगे, यही हाफ हाफ क्या है, एब्सोल्यूट गेन है। तो फिर कहते हैं कि नियो लिबरल जो नव उदारवादियों कहते हैं कि कोऑपरेशन संभव है, बट प्रॉब्लम ऑफ एनार्की एक आती है नव उदारवादियों के लिए। प्रॉब्लम ऑफ एनार्की का मतलब कुछ और है, और जो नव यथार्थवादी हैं उनके लिए प्रॉब्लम ऑफ एनार्की का मतलब कुछ और है। प्रॉब्लम इसमें देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए दोनों प्लेयर स्टैक का पीछा कर रहे हैं और अचानक से तभी एक जो है रैबिट आ गया, रैबिट पास किया, स्टैक के पीछे जो है भाग रहे थे लेकिन एक रैबिट पास किया। अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, काफ़ी देर से स्टैक का पीछा कर रहे थे, स्टैक पकड़ में नहीं आ रहा था, अचानक से एक रैबिट पास किया, तो अब किसी के मन में चीटिंग की बात आएगी, वो सोचेगा कि अगर स्टैक पा गए तब तो मिलेगा ना हाफ हाफ, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, उसको छोड़ो, स्टैक को छोड़ो। मान लीजिए ए के मन में आ जाए ये बात, या बी के मन में आ जाए कि ऐसा करते हैं, जैसे मान ए के मन में बात आई कि चलो छोड़ो बी को भागने दो स्टैक के पीछे, ये रैबिट पकड़ना आसान है, इसी को हम पकड़ लेते हैं, तो बेनिफिट क्या होगा, ए को क्या बेनिफिट मिलेगा, फुल रैबिट मिलेगा। बी, अगर बी रैबिट के पीछे भागता है तो बी को फुल रैबिट मिलेगा, लेकिन स्टैक नहीं हाथ में आएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा। और यदि मान लीजिए दोनों डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम दोनों लोग इसको छोड़ो, ये बड़ा तेज भाग रहा है, बहुत तेज है, नहीं पकड़ में आएगा, इसी को पकड़ते हैं, तो फिर क्या होगा, हाफ रैबिट आएगा और दोनों है ना हाफ रैबिट। तो इसमें भी आप देखिए क्या है, जैसे ही लाभों का बंटवारा हुआ ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट गेन, कि स्टेट मतलब स्टैग मिलता तो बड़ा लाभ होता और रैबिट मिल रहा है तो छोटा लाभ है, लेकिन दोनों को लाभ क्या है, इक्वल है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग,
धोखे की समस्या है, आप अपने पार्टनर को लेकर के आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। एक के मन में हमेशा यह भाव सताएगा कहीं वो ऐसा ना हो धोखाधड़ी ना कर दे, हम हैशटैग के पीछे भागें और वो जो है रैबिट लेकर के उधर धीरे से निकल जाए। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग है, कोई रूल नहीं है। कोई अगर चीटिंग जो चीट कर रहा है उसको चीट करने से रोकने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है, है ना, कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो चीटर के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। तो जो नव उदारवादी हैं उनके लिए प्रॉब्लम ऑफ एनार्की का मतलब क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एनार्की का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग और लैक ऑफ रूल या लॉस, ये है एनार्की का मतलब उनके लिए। तो अब देखिए, जो संस्थावादी हैं, जो संस्थाओं या संगठनों के माध्यम से सहयोग को बढ़ाने की बात करते हैं, नव उदारवादी संस्थावादी, वो कहते हैं कि यदि आप संगठन के माध्यम से आप कोऑपरेट करेंगे, जिसको कहते हैं ना मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, संस्था बनाकर यदि आप सहयोग करेंगे तो वो संस्था क्या करेगी, चीटिंग की जो समस्या है उसको दूर करेगी। जैसे यूएन के मेंबर हो गए सभी देश, और यूएन के मंच से या डब्ल्यूटीओ के मंच से यदि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे चीटिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो लैक ऑफ लॉ है या लैक ऑफ रूल है, है ना, नियमों का अभाव, वो भी संस्था जब आ जाएगी तो संस्थाएं क्या करती हैं, नियमों को इन्फोर्स कराती हैं, उसको लागू कराती हैं। तो यानी दो जो दो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग और लैक ऑफ रूल या लॉ, ये दोनों समस्याएं यदि संस्थाओं के माध्यम से सहयोग होगा तो ये दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए जो नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं, न उदारवादी संस्थावादी, उनका मानना है कि यस, एनार्की की अवस्था में भी राज्यों के बीच में सहयोग संभव है, बिकॉज स्टेट्स सीक एब्सोल्यूट गेन। अब आते हैं थोड़ा ग्रीको पे, देखिए काउंटर अटैक करते हैं ना ग्रीको, कैसे करते हैं। ग्रीको कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एनार्की इज द प्रॉब्लम ऑफ security and lack of police force. हाँ, देखिए ग्रीको कहते हैं कि जो एनार्की है, अराजकता की जो समस्या है, वो समस्या चीटिंग और lack of law की नहीं है, वो समस्या किसकी है, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, और क्या है, पुलिस फोर्स की। जो एक हायर अथॉरिटी, एक ऐसी सरकार जो सरकारों के ऊपर हो, पुलिस फोर्स, यानी एक सुप्रीम अथॉरिटी का अभाव है और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, सर्वाइवेबिलिटी, भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा की समस्या है, सिक्योरिटी डायलेमा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम जब ऐसा है तो स्टेट्स जैसा कि नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट कहते हैं कि एटोमिस्टिक प्लेयर या एक्टर या इगोइस्ट प्लेयर आर एक्टर, जो स्टेट्स हैं नव उदारवादी संस्थावादियों के लिए एटोमिस्टिक हैं, इगोइस्ट हैं, रैशनल एक्टर्स हैं, लेकिन ग्रीको के लिए क्या है, स्टेट्स आर पोजिशनल एक्टर्स। पोजिशनल यानी अपनी सापेक्षिक स्थिति का ध्यान रखते हैं। जब एटोमिस्टिक होंगे, इगोइस्ट एक्टर होंगे तो एब्सोल्यूट गेन को देखेंगे, लेकिन जब पोजिशनल एक्टर होंगे तो एब्सोल्यूट गेन ही नहीं, क्या देखेंगे, रिलेटिव गेन की बात होगी।
रिलेटिव गेन, पोजिशनल प्लेयर हैं, स्टेट्स आर पोजिशनल प्लेयर और दे सीक रिलेटिव गेन। अपने पोजीशन को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। कैसे? मान लीजिए एग्रीमेंट से पहले की स्थिति बता रहे हैं, दो प्लेयर हैं, एक है प्लेयर ए और ये दिख रहा है ना, ठीक है, और एक है प्लेयर बी, यानी स्टेट आप कह सकते हैं स्टेट ए स्टेट बी। कोऑपरेशन में जाने से पहले, एग्रीमेंट में जाने से पहले इसकी जो क्षमता थी ये थी टू यूनिट या इकाई। और जो बी की जो क्षमता थी वो 5 यूनिट थी। आप इसे आप ऐसे कह सकते हैं 6 यूनिट, 6 यूनिट्स। यानी जो राज्य ए है जब अभी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एनार्किकल अवस्था में है, कोऑपरेशन इन दोनों के बीच में अभी नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, ए की जो क्षमता है वो 2 इकाई की है और बी की जो क्षमता है वो 6 इकाई की है। एग्रीमेंट जब हो जाता है, दोनों राज्य या दोनों प्लेयर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं कि ठीक है हम लोग कोऑपरेट करेंगे। तो फिर अब देखिए एब्सोल्यूट गेन, जैसा कि नव उदारवादी संस्थावादी कहते हैं, ये नया पोजीशन है। ये मान लीजिए इसकी क्षमता बढ़ करके हो गई 6 यूनिट, कितना हो गया 6। और बी का जो है नई कंडीशन एग्रीमेंट के बाद, बी की क्षमता बढ़ करके ये हो गया 9 यूनिट, कितना हो गया। तो आप देखिए समझौता से पहले ए की, राज्य ए की जो क्षमता थी 2 इकाई की थी और जो बी की क्षमता थी वो 6 इकाई की थी। इसका मतलब है कि जो बी है वो 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था, है ना, 6 और 2। ए की क्षमता थी 2 इकाई की, बी की क्षमता थी 6 इकाई की, तो जो बी है वो 3 गुना ज़्यादा क्षमतावान था ना, इसकी पावर थी। एग्रीमेंट के बाद देखिए क्या होता है, एग्रीमेंट के बाद जो है बी है वो 9 यूनिट आता है और ए है वो 6 यूनिट आता है। तो अब देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है, कोऑपरेशन जब हो रहा है तो 3 यूनिट हो रहा है ना, ये 2 से 6 यानी कितना, 3 यूनिट हुआ, ये 6 से 9 है, यहाँ भी 3 यूनिट है। एब्सोल्यूट गेन तो हो गया ना 3 यूनिट का, अच्छा, लेकिन रिलेटिव जो गेन है, सापेक्षिक स्थिति है इसमें, अब देखिए पहले क्या था, 3 गुना ज़्यादा पावरफुल था बी, अब क्या है, ये 6 से 9 है, 3 गुना का मतलब तो होना चाहिए ये 18 यूनिट होनी चाहिए, है ना, तब तो माना जाता कि पुरानी स्थिति इसकी बरकरार है, लेकिन ये 9 ही है, 18 नहीं हुआ ये 9 हुआ, इसका मतलब ये 2 गुना से भी कम ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो ऐसे कंडीशन में स्टेट ए देख रहा है कि यदि हम बी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो बी की क्षमता हमसे ज़्यादा बढ़ रही है, सॉरी बी देख रहा है कि जब कोऑपरेट कर रहे हैं ए के साथ तो ए की तुलना में हमारी जो रिलेटिव पावर पोजीशन है वो कम हो रही है। ठीक है कि एब्सोल्यूट गेन हुआ है 3-3 यूनिट का दोनों को, लेकिन जो रिलेटिव गेन है, सापेक्षिक गेन है, वो क्या हुआ, कम हुआ है। तो आप बताइए ग्रीको का पूछते हैं नव उदारवादियों से कि बताइए ये जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, है ना, आप समझ में आई बात ना, कि राज्य हमेशा यह सोचते हैं, वो स्ट्रेटजिक तरीके से सोचते हैं, या हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि एब्सोल्यूट गेन के पीछे ही नहीं भागते, वो हमेशा अपनी अपने पोजिशनल स्थिति को भी देखते हैं
कि ऐसा तो नहीं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी तुलना में दूसरा ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में बी क्या होगा, एग्रीमेंट से पीछे हट जाएगा। आप समझ में आ रही है कि कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर एनआरकी। तो यही कहते हैं कि ट्रू इम्प्लीकेशन ऑफ एनआरकी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है उसका, उस व्यवस्था की जो में जो एनआरकी है सिस्टम में, उस एनआरकी का जो सच्चा इम्प्लीकेशन है, ट्रू इम्प्लीकेशन, उसको जो है न उदारवादी संस्थावादी समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये है, स्टेट्स सापेक्षिक लाभ को देखते हैं, और यदि सापेक्षिक लाभ नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, एग्रीमेंट से पीछे हट जाएंगे। अब आप देखिए जरा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो 1995 में WTO का गठन हुआ, उसके पहले तक चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी से अपने आप को दूर रखा था, अलग रखा था, लेकिन वो WTO का मेंबर बना और बड़ी तेज़ी से संस्था का एक मेंबर बना, और बड़ी तेज़ी से उसने अपना रिलेटिव जो पावर पोजीशन है उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो फिर क्या हुआ, अमेरिका को लगा कि हमारी व्यवस्था, हमारी संस्थाओं से जुड़ करके चाइना अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। 2001 आते आते तक चाइना काफ़ी पावर बढ़ा लिया था, 5-6 साल के भीतर ही 95 में जुड़ा, और उसके बाद जो है 2001 आते आते, और उसके बाद भी थोड़ी सी स्थिति देखिए, तो चाइना ने अपनी पोजीशन को जैसे ही बढ़ाया, और जिन जिन संस्थाओं से चीन जुड़ करके अपने पोजीशन को, अपने रिलेटिव गेन को बढ़ा रहा था, उन उन संस्थाओं से अमेरिका पीछे हटने लगा। आप इसीलिए देखेंगे कि जो WTO के जो राउंड टॉक हैं, जैसे दोहा वार्ता, सिएटल वार्ता, कोपेनहेगन वार्ता, ये सब वार्ताएं क्यों असफल हैं, अमेरिका चाहता ही नहीं है कि वो सफल हो जाए, और अमेरिका चाहता ही नहीं कि वो सफल हो। आप देखिए चीन के साथ जहाँ जहाँ अमेरिका का सहयोग था, और अमेरिका को लगा कि चाइना का जो रिलेटिव पावर पोजीशन है वो बढ़ रहा है, तो उन उन संस्थाओं से अमेरिका अपने आप को अलग कर लिया। दिख रहा है कि नहीं है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका, जो है ग्राउंड पे चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। तो अब आप समझिए कि ग्रीको कह रहे हैं कि इन एनआरकी कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर एनआरकी, बिकॉज जो प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एब्सोल्यूट गेन के बजाय रिलेटिव गेन को देखते हैं, दे आर द पोजिशनल प्लेयर्स। ग्रीको कहते हैं कि आज का पार्टनर, टुडे पार्टनर मे बिकम टुमारो एनमीज। ठीक है, आज हम गर्मजोशी के साथ उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, है ना, मित्रता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो एक ही चीज़ शाश्वत है ना, क्या है, ना तो कोई अस्थाई मित्र है, ना कोई अस्थाई शत्रु है। तो आज का पार्टनर कल का पोटेंशियल क्या है, संभावित एनिमी है। तो आज यदि वो रिलेटिव गेन कर रहा है, तो यदि कल हमारा शत्रु बनेगा तब क्या होगा, अब मेरे ही तो को नुकसान करेगा ना। तो ये ग्रीको ग्रीको कहते ना, रियलिस्ट क्रिटिक ऑफ निवेस्ट लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव उदारवादी संस्थावाद का यह जो है एक काउंटर अटैक है। आई होप सो कि आपको जोसेफ ग्रीको का ये नव यथार्थवाद समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बचे हुए हैं यथार्थवाद में, एक तो है नियो क्लासिकल रियलिज्म और दूसरा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रियलिज्म, इन दोनों को देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।